छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। पूरा प्रदेश इस रिपोर्ट से सकते में है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि सारकेगुड़ा इनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। दरअसल बीजापुर में जून 2012 के बहुचर्चित सारकेगुड़ा इनकाउंटर की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के दावे पर शक जाहिर किया गया है। इस मुठभेड़ में 17 स्थानीय लोग मारे गए थे, जिसमें 6 नाबालिग भी थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव वालों ने कोई भी फायरिंग नहीं की थी। वहीं इस बात के भी सबूत नहीं मिले हैं कि वो लोग माओवादी थे। एक अंग्रेजी दैनिक पेपर के अनुसार गांव वालों को प्रताड़ित किया गया और फिर बाद में उन्हें गोली मार दी गई। बता दें कि सारकेगुड़ा मुठभेड़ की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वी के अग्रवाल थे। आयोग ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों के जो 6 जवान मुठभेड़ में घायल हुए थे, वो साथी जवानों की क्रॉस फायरिंग में घायल हुए थे। रिपोर्ट में गांव वालों के दावे पर भी शक किया गया है कि वो एक त्योहार पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। न्यूज़ डेस्क।